इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करने के, और इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि आज का वीडियो हम शूट करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज में, रीज़न में वीडियो मेन पे बताऊंगा। और सेकेंड चीज़ ये है कि सेकेंड इन्फॉर्मेशन, हमारा कलकत्ता में एक चीज़ है ना, बहुत सारा सरप्राइजिंग चीज़ देता है, ज़्यादा ही देता है वो सरप्राइज, और उस शख्स का नाम है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उन्होंने कल ऑलरेडी एक बहुत ही धमाकेदार वाला सरप्राइज दे चुका है हम लोगों को, तो उसी सतमा पे हूँ अभी, और अभी का टाइम बज गए 6, तो सही से नींद भी नहीं हुआ रात को, और सुबह जब उठ ही चुका हूँ सोचा थोड़ा प्रोडक्टिव चीज़ कर लूँ, थोड़ा अभी जाऊँगा डुमुरजला स्टेडियम पे थोड़ा रनिंग करने के लिए, और अभी डुमुरजला स्टेडियम का जो एम्बियंस है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पे छत पे मैं वीडियो कर रहा था, और ये कौवा का बच्चा लोग कहाँ 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 कर रहा था, देखो कितना, मतलब मुझे डर लग रहा है छत इधर आने पे, देखो कितना, भाई साहब जस्ट निकल रहा हूँ और ये लोग कहाँ 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 स्टार्ट कर दे, देखो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दौरा है अभी, रनिंग कर चुका है और पीटी सब कुछ हो चुका है, अभी मेरा सांस भी फूल रहा है इतना दौड़ लिया। डुमुरजला स्टेडियम पे आपको मिल जाएगा हॉकी ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल का 3 ग्राउंड, ऊपर से बास्केटबॉल ग्राउंड, सब कुछ ग्राउंड, मतलब सब कुछ फील्ड है यहाँ पे, और हर एक चीज़ का प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी यहाँ पे होता है। ये जो ग्राउंड देख पा रहे हो आप, ये है हॉकी ग्राउंड वाला फुटबॉल का है, देखो। और यहाँ पे खेलने के बाद अगर आपको बहुत ही गर्मी लगता है तो ये वाला पूल पे आप नहा भी सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, देख। सांस फूल रहा है इतना दौड़ चुका हूँ ना आज। ये जो ग्राउंड देख पा रहे हो आप, और सामने का टर्फ दिख रहा है कि नहीं नहीं मालूम मुझे, यहाँ पे हम क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे। ये एक सामने जो कैंप है इधर, और इसके पीछे और एक कैंप है, वहाँ पे मैं वही सबसे अच्छा कैंप है हावड़ा सोमी लोनी। तो ये जो मैदान है यहाँ पे CAB का डिस्ट्रिक्ट का मैच होता है, एंड यही मेन ग्राउंड है क्रिकेट का, जो भी ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है हमारा। प्रैक्टिस करता था एक ज़माने पे, वो था जब मैं स्कूल पे था, आई थिंक लास्ट मैंने खेला था क्रिकेट 2018, क्लास 7 या 8 से मैं प्रैक्टिस करता था। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को सारा जो फील्ड है डुमुरजला स्टेडियम पे सब कुछ दिखा चुका हूँ, अभी हमको बहुत ज़ोर से प्यास लगा है, तो क्या पीऊँ क्या पीऊँ सोच रहा था। इधर सामने जुगोलदा का टी का शॉप है जो कि बहुत ही फेमस है डुमुरजला स्टेडियम पे, अगर कभी आप आते हो डुमुरजला स्टेडियम तो फ्री में प्रमोशन कर दे रहे हैं जुगोलदा का चाय का दुकान का, वो एकदम स्वादिष्ट होता है, एक प्रो टिप्स मेरे तरफ से, तो आके ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मस्त बनाता है। हाँ तो भाई, जो बात हो रहा था कि मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी मैं मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे आ चुका हूँ, और ये है चटर्जी बाजार, और फिलहाल मुझे अभी लेना है लेफ्ट। अरे काका चलो ना, बाल यही है देखा ना, जीते हो देना। अरे काका ये जो रोड है ना कैरी रोड, यहाँ से अगर आप लोग उस पर जाना चाहते हो ना, मतलब बहुत ही हिम्मत वाला काम होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉसिंग आपको क्रॉस करने पड़ेगा पौधपुकुर जाने के लिए। पहला क्रॉसिंग आपको ये कैरी रोड का ये क्रॉसिंग मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा पौधपुकुर का क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग मिलेगा, और ये दोनों इतना घटिया सा प्लेस है, मुझे जाने का ही मन नहीं करता। देखो अभी कह रहा हूँ उस पर, देखो हाँ
आगे रहा नहीं जाऊंगा मैं, जो नवानो वाला रोड से ही जाऊंगा। देखो सामने ऑलरेडी गेट पड़ा हुआ है पद्मपुकुर गेट का, और वो वाला गेट इतना घटिया है, वहाँ पे हर टाइम गेट पड़ा रहता है, और इतना रास्ता भी एकदम खराब हो चुका उधर का पूरा। बाइक है थोड़ा जल्दी भी पहुँच जाते हैं, और ये वाला रोड से थोड़ा घूम के जाने पड़ता है, वही दिक्कत है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। और फर्क बस यही है, और वहाँ पे जैम रहता है, ये रोड हमेशा खाली रहता है क्योंकि ये ब्रिज है, ब्रिज पे क्या ही जैम रहेगा। टाइम बना रहा हूँ कुछ वीडियो हिंदी पे, क्योंकि मैं थोड़ा देख रहा हूँ हिंदी पे कैसा वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं, आई डोंट नो, जस्ट ट्राई एंड आउट कर रहा हूँ। और कमेंट पे बता देना भाई लोग क्या करो हिंदी पे या बंगाली पे। अभी तो मिले हम, अभी ना करो छुपाने की बात, अभी अभी जिंदगी शुरू है, अभी ना करो छुपाने की बात, हम तुम्हारे माहियार बूंद नैना कर देना मुझे अगर कोई गलत लिरिक्स हुआ है तो। एक्चुअली मैं बहुत ही बड़ा फैन था केके का, और जब ऐसा न्यूज़ मुझे सुनने में आया बहुत ही मेरा कश हो रहा है यार, क्या ही बताओ यार, बचपन से उनका गाना सुनता आया हूँ। हाँ हाँ, और थोड़ा डीवीसी पे एक दोस्त है बातचीत। हाँ 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 सर ठीक आ रहे सर। हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली हमारा स्कूल का हिंदी टीचर था, जगन्नाथ सर है, बहुत ही अच्छा था सर है, लेकिन जब स्कूल पे था क्या ही मारता था भाई। चलो अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ डीवीसी के अंदर, ये है डीवीसी, चारों तरफ देखो हरियाली और हरियाली, और मैं मिडिल का रोड से चला रहा हूँ गाड़ी, मेरा हॉर्नेट 2.0, और हवा चल रहा है ठंडा ठंडा, मज़ा आ रहा है मुझे। और इधर मैं थोड़ा रील शूट करूँगा, देखता हूँ कहाँ शूट किया जाए। अरे भाई साहब पूरा ट्री एंड ट्री, इधर धूप है थोड़ा, इधर रुक जाते हैं, इधर रुको। सीन्स कुछ ऐसा है एक्चुअली, उधर जगन्नाथ सर से देखा हुआ था, वो हमारा स्कूल का हिंदी टीचर था जैसे मैंने आप लोग को बताया था, और सर को मैं ये बताया कि फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, नहीं फ्रेंड से नहीं, मैं एक्चुअली रील का शूट करने आया था, थोड़ा शर्म आ रहा था इसलिए मैं सर को बता नहीं पाया। और अभी मैं डीवीसी के अंदर घुस चुका हूँ, देख सकते हो आप लोग, ये है डीवीसी, कितना सारा पौधा ट्री है यहाँ पे, और ये जो मार्ट देख रहे हो आप, ये जो मार्ट अभी जब ये जंगल हो चुका है, इधर हम लोग स्कूल का टाइम मतलब जब समर वैकेशन पड़ता था, विंटर वैकेशन पड़ता था, यही मार्ट पे आके हम लोग क्रिकेट खेलते थे हम और मेरे दोस्त लोग के साथ। और यहाँ पे ये वाला एग्जैक्ट एरिया पे एक पाइप भी था, वहाँ पे हम लोग इवनिंग में आके खेलने के बाद, या कभी कभी जब खेलने नहीं आते थे इवनिंग को, आके इधर अड्डा भी मारते थे दोस्त लोगों के साथ। और एक चीज़ ये है कि हम लोग जब स्कूल से बंक मारते थे, आप लोग मारे हो बंक या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने मारा है बंक और मेरे दोस्त लोगों के साथ मारा है बंक। और बंक मारने के बाद उधर सामने एक घर है, आई डोंट नो, वो अभी उस एरिया पे पूरा भी जंगल हो चुका है, आई डोंट नो वहाँ पे अभी घर है कि नहीं, उधर ही जाके हम लोग ड्रेस चेंज करके जाते थे, विक्टोरिया मेमोरियल या कहीं और कोई प्लेस पे जाते थे। और आई डोंट नो कि कैमरा का सामने जब कोई बात करता है अब सब आदमी घूम घूम के देखते हैं, अभी एक अंकल क्या है वो साइकिल लेके मुझे ऐसे घूम घूम के देख रहा था, तो ये क्या बक रहा है कैमरे का सामने, छोड़ो कोई नहीं, मैं तो आप लोगों के साथ ही बक रहा था। और बाइक मैंने इधर रख दिया है, और इधर थोड़ा रील शूट करूँगा, और मेरा बाइक का ये वाला पोर्शन ना पूरा स्क्रैचेस हो गया है, वो सामान लेता हूँ ना इस साइड, मतलब बाज़ार का बैग या कोई भी चीज़ लेता हूँ उधर, वो स्क्रैच हो गया तो वो साइड भी ठीक करने पड़ेगा, और गाड़ी भी पूरा वॉश भी करने पड़ेगा इस वीक को। तो इधर थोड़ा रील शूट कर लेते हैं, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो इंस्टाग्राम का रील्स तो मुझे इंस्टाग्राम के फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम का, तो देख लो
थोड़ा टाइम लैप्स मैं सेट कर देता हूँ कैमरा को इधर टाइम लैप्स के लिए। भैया अभी सीन कुछ ऐसा है, मेरा इंस्टाग्राम का रील शूट हो चुका है और यहाँ मैं थोड़ा ठंडा ठंडा हवा खा रहा था क्योंकि चारों तरफ हरियाली और हरियाली है तो ठंडा ठंडा हवा भी आ रहा है और अभी इधर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 36 डिग्री सेल्सियस है तो मुझे उतना गर्मी भी नहीं लग रहा है। और एक चीज़ आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ ये है कि जब कोई बंदा शौक से कुछ करना चाहता है तो उनको बहुत ही चाहत होता है लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करे। जैसे मेरे स्कूल पे बहुत सारा दोस्त था, वो गिटार बजाते थे, गाना भी करते थे, तो उन लोगों का पहला गाना आइदर होता था कि नथिंग एल्स मैटर, यस मेंस लाइक टीन स्पिरिट या आदत। तो मैं ये बात से यही आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो से कुछ भी चीज़ कॉपीड दिखे कोई भी क्रिएटर का तो उनसे बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये फील्ड पे मैं नया हूँ। तो जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा फील्ड पे मेरा भी खुद का स्किल डेवलप होगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी क्या है, अभी आज का वीडियो यही बात बोल के इधर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी मुझे घर जाके पढ़ाई भी करने पड़ेगा। मैंने तो एकदम स्टार्टिंग पे भी बताया था वीडियो का कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सरप्राइज दे चुका है और हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, इतना दिन मैं सोचा था ऑनलाइन होगा, नहीं फाइनली ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए पढ़ाई भी कुछ बनने पड़ेगा। अब 2 साल ऑनलाइन हुआ है तो पढ़ने का हैबिट भी चल गया है तो थोड़ा पढ़ाई करने पड़ेगा। अभी मैं घर जाऊंगा और जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और नीचे कमेंट पर ज़रूर बता देना कि आपको हिंदी पर वीडियो चाहिए या बंगाली पर, तो ये कमेंट पर आप बता देना, कमेंट सेक्शन आप लोगों का ही है। तो ठीक है, चलो बाय।